अच्छा दोस्तों, एक फेमस पंजाबी कवि थे जिनकी कविता की एक पंक्ति आज के समय में काफी रेलेवेंट लग रही है। उन्होंने कहा था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। 8 मई को हमने 6 लाख एस्पायरेंट्स के सपनों को मरते देखा। क्या था 8 मई को? बिहार पीसीएस का पेपर लीक हुआ। अब आप बोलोगे, अरे सपने कैसे मर गए, क्या ये लोग तैयारी करना छोड़ देंगे? देखो मैं मानता हूं, लेकिन 8 लाख में से न जाने कितने एस्पायरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी छोड़कर इस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। यहां तक कि बहुत से एस्पायरेंट्स का तो कहना है, हमने इस बार के लिए यूपीएससी के लिए भी ब्रेक लिया था। लेकिन सोशल मीडिया में हमने देखा किस प्रकार से एस्पायरेंट्स ने ट्रकों में चढ़ के वो पेपर देने गए, रात बिताई रेलवे स्टेशन पर। इतने मुसीबतें सहन करके जब कोई देखो पेपर देने जाता है और उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो चुका है, तो मानो ऐसा एहसास हुआ कि बेचारे एस्पायरेंट्स की कोई राइट्स या फिर डिग्निटी बची ही नहीं है, मतलब सब कुछ छीन लिया गया हो। देखो 5 जून को वैसे यूपीएससी का प्री है, तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं, क्योंकि अभी आपका फोकस जो है वो एग्जाम पर होगा, इसी वजह से इस चैनल पर ज्यादा वीडियोज भी नहीं आ रही हैं। बट देखो 8 मई को जो बिहार पीसीएस का पेपर लीक हुआ ना, इसके बाद बहुत सारे बिहार के एस्पायरेंट्स के, और ना सिर्फ बिहार के बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी, दूसरे राज्य के एस्पायरेंट्स भी ये एग्जाम देने के लिए गए थे, तो उन एस्पायरेंट्स के ना बहुत सारे मैसेजेस आए, उन्होंने अपने आप बीती भी शेयर की, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी कि एस्पायरेंट्स की जो व्यथा है उसको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो बिहार पीसीएस के एग्जाम के साथ हुआ ना, बाकी पीसीएस के एग्जाम में ये नॉर्मल ना बन जाए। और देखो अगर मैं ये पूरा मामला आपके साथ शेयर करूं, बीपीएससी 2021 के सितंबर में 67 बीपीएससी के फॉर्म लेती है और 4 बार एग्जाम पोस्टपोन करके 9 महीने बाद एग्जाम लेती है 8 मई को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 66th बीपीएससी भी सितंबर 2020 में आई थी, पर 2 साल होने को है, अभी तक चल रही है, मतलब ये एग्जाम साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। एस्पायरेंट्स अपनी मेहनत करते रहे और 8 मई को एग्जाम देकर बाहर निकले तो उनके होश उड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में बीपीएससी का सेट सी वायरल हो रहा था। उससे भी बड़ा झटका यह पता चला, मतलब उससे भी बड़ा झटका एस्पायरेंट्स को तब लगा जब उन्हें यह पता लगा कि आरा के किसी सेंटर में एक रूम में 1 घंटा पहले ही कुछ खास बच्चों को ओएमआर और क्वेश्चन दे दिए गए थे। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा अब यह पता लगेगा कि उस रूम में बच्चों के पास मोबाइल भी था। लेकिन 440 वोट का शोक तो अब लगेगा, क्योंकि जिस सेंटर में यह एग्जाम हुई कॉलेज की मान्यता 5 साल पहले ही रद्द कर दी गई थी, तो बिहार पीएससी के महान ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कैसे थी आपको एहसास हो ही गया होगा। मतलब कॉलेज की मान्यता नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। आज गुड गवर्नेंस हर इंस्टीट्यूशन का टारगेट होता है। बट देखो बीपीएससी तो ऐसा बिहेव करती है जैसे एग्जाम कंडक्ट करवा के वो स्टूडेंट्स पर किसी प्रकार का एहसान कर रहे हों। जैसे देखो यूपीएससी जब फॉर्म भरवाती है तो हमसे सेंटर पूछती है ना कि कौन सा सेंटर आपको चाहिए, अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर स्टूडेंट्स को वो सेंटर दे दिया जाता है। बट बीपीएससी का कहना है, हम तुम्हें फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं यही बहुत है, बाकी सेंटर हम अपने आप से दे देंगे। और तो बहुत बार तो एस्पायरेंट्स को देखो 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एग्जाम लेने के लिए। देखो एस्पायरेंट्स का जो काल होता है ना, ऐसा होता है, ज्यादा पैसे नहीं होते, घर वालों से मिलते नहीं है बहुत सारे पैसे ज्यादातर एस्पायरेंट्स को, तो इस हीट वेव्स के दौरान 500-600 किलोमीटर दूर जाना, आज के समय में आपको पता है जब एग्जाम होता है तो ट्रेन्स में और बसेस में भी कितनी भीड़ होती है, तो इस प्रकार के देखो गर्मी के मौसम में ना यात्रा करना ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। और जब ऐसी यात्रा तय करके आप एग्जाम देने के लिए जाते हो सिर्फ ये सुनने के लिए कि एग्जाम अब रद्द हो चुका है, और देखो ये तो सिर्फ हमने इंस्टेंट बात की, उस एस्पायरेंट्स किस किस मानसिक दबाव से गुजरते हैं वो शायद आप सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो, बाहर के लोग नहीं महसूस कर पाएंगे। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो घर वालों से टाइम मांगते हैं कि हमें 6 महीने चाहिए, हमें 1 साल चाहिए, घर वालों से दबाव बहुत ज्यादा होता है, शादी का दबाव या फिर फाइनेंशियल दबाव, जॉब का दबाव। और बात देखो सिर्फ यहां पर बिहार की नहीं है, अन्य स्टेट्स के एस्पायरेंट्स भी परेशान हो चुके हैं। उदाहरण के लिए एमपीपीएससी के चेयरमैन से आप 2019 की वैकेंसी के बारे में पूछोगे तो उनको कुछ अता पता नहीं होगा।
एमपी की गवर्नमेंट जुडिशरी और एमपीपीएससी तीनों ने मिलकर 2019 के एग्जाम की ऐसी खिचड़ी बना दी है कि किसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बाहर आए। और यकीन मानिए, गवर्नमेंट जुडिशरी और एमपीपीएससी के पदाधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एस्पायरेंट्स को सड़कों में प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा कर रखा है। उनके 4 साल बर्बाद कर दिए हैं। राजस्थान को मेंस पोस्टपोन करना पड़ा, क्यों? क्योंकि राजस्थान पीएससी ने प्रीलिम के बाद मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया था। हरियाणा पीएससी का देखिए, हरियाणा पीएससी का प्री और मेंस दोनों अभी कैंसिल कर दिए क्योंकि एचपीएससी के सचिव खुद रिश्वत लेते पकड़े गए। झारखंड पीएससी का मैंने आपको बताया था कैसे 53 बच्चे एक ही सेंटर में प्री निकाल लेते हैं लगातार, बाद में उनकी ओएमआर सीट खो जाती है। मणिपुर पीएससी 2016 से अटकी पड़ी है, सीबीआई तक लग चुकी है, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस एस्पायरेंट्स पिसते जा रहे हैं। इंडिया देखो आज कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड लीडर बन चुका है, बट हमारे स्टेट के पीएससी पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रही हैं। हमारे देश में वैकेंसी के नोटिफिकेशन इतने नहीं आते जितने पेपर लीक के इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाते हैं। आप सुनिए, हाल फिलहाल में कितने लीक्स आपने सुने होंगे, बीपीएससी प्री लीक, यूपी टेट लीक, एमपी टेट लीक, राजस्थान रीट लीक, यूपीएसआई लीक, हरियाणा कॉन्स्टेबल लीक, आंध्र प्रदेश एसएससी लीक, हिमाचल कॉन्स्टेबल लीक, सीबीएसई लीक। यह लिस्ट देखो इतनी लंबी है कि भारत के लीडर्स को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि कैसे, मतलब भारत एक तरफ देखो सुपर पावर बनना चाहता है लेकिन फ्री एंड फेयर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने चाहिए ना, वो भी नहीं हो पाते। और एक बात बोलूं आपको, जब भी देखो मतलब इस प्रकार के लीक होते हैं या फिर एस्पायरेंट्स के साथ कुछ गलत होता है, कभी आपने देखा किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई हो, जिम्मेदारी तय हुई हो? हमारा देखो देश, देखो वैसा देश था पहले, लाल बहादुर शास्त्री जैसे इंस्पिरेशनल लीडर्स ने इस्तीफा तक दे दिया था रेल एक्सीडेंट के बाद। उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मेरे रेल मिनिस्टर होते हुए हादसा हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं रिजाइन करूं। बट देखो स्टेट पीएससी के ऑफिसर्स डायरेक्टली इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बावजूद उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। तो देखो हम किस ईरा में आ चुके हैं। यूपीएससी देखो 10 लाख फॉर्म लेती है, 5-6 लाख एस्पायरेंट्स तो हर साल एग्जाम लेते हैं बिना लीक के, बिना डिले के। यहां पर देखो गुजरात पीएससी के रिफॉर्म्स पर भी हमने चर्चा की थी, किस प्रकार से 5 साल तक जब दिनेश दासा जी का कार्यकाल रहा तो वहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम काफी अच्छा रहा। तो ये एग्जांपल्स देके मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर सिस्टम को सुधारना हो तो इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जब यूपीएससी ऐसा कर सकता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर सकता है, तो बाकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्यों नहीं कर सकते? विल पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, विल पावर की कमी है। जब देखो एग्जाम पोस्टपोन होती है ना, तो सिर्फ एस्पायरेंट्स को नुकसान नहीं होता बल्कि पूरे स्टेट सोसाइटी को नुकसान होता है। और यह दुख की बात है, कोई मीडिया ऐसे पेपर लीक को ना फ्रंट पेज पे जगह नहीं देता। एक छोटी सी खबर आती है अखबार के बीच में और हो सकता है कि टीवी चैनल में नीचे एक छोटी सी हेडिंग आ जाए। कभी आपने देखा कि पूरा 1 घंटे का डिबेट हुआ हो जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया गया हो कि क्या हमें एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? जब तक देखो ऐसे डिबेट्स नहीं चलेंगे ना समाज में, तब तक देखो चीजें सुधरने वाली नहीं है। एक एस्पायरेंट की देखो सिंपल सी उम्मीद है सरकार से, सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि बस आप पेपर को फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में रेगुलरली कंडक्ट करवा लो, बाकी मेहनत हम कर लेंगे। बाकी एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है तो हमारी किस्मत है, बट इतनी मेहनत करने के बावजूद इन फैक्टर्स जिन पर एस्पायरेंट का कोई बस नहीं चलता, ऐसा हो जाता है ना, फिर देखो बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है।